IFA जो संस्था है उसकी चेयरपर्सन है मेनका गांधी, इन्होंने सीधे सीधे अल्पेश यादव की गिरफ्तारी की मांग की। सुनिए जरा ये खास बातचीत। मेनका गांधी इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, मेरा सवाल ये है कि अल्पेश यादव पर जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक एजेंट के थ्रू पुलिस वहां तक पहुंची है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी आप हमें दे सकते हैं? देखिए, अल्पेश यादव और उस किस्म के लोग जो कोशिश करते हैं TRPs बढ़ाने, कानून तोड़ करके, इनको एकदम पुलिस को पकड़ना चाहिए, एकदम। ये आदमी कई दिनों से सांप पहन करके नाच रहा है और उससे बढ़ करके हमने सुना है कि ये ऑर्गेनाइज करता है ये रेव पार्टीज, जिसमें वो पाइथन्स, कोबरास को बेच करके जहर उनका निकाल करके बेचता है। अब जहर जहर होता है, जो लोग लेते हैं वो सोचते हैं कि उनको हाई हो रहा है, असल में उनकी किडनी फेल हो रही है, क्योंकि जहर क्या वही होता है। इस तरह की पार्टीज पर रोक लगना चाहिए, किस तरह के एक्शन प्लान्स आगे तैयार हो रहे हैं या पुलिस से क्या कुछ बातचीत आपकी इस बारे में हो पाई है? मेरा पार्टीज रोके या ना रोके ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कि जो लोग सांपों को जंगल से ला करके मारते हैं, क्योंकि ये मरते हैं, एक दफ़ा वेनम निकल जाए तो जो लोग मारते उनको तो 7 साल की जेल की सज़ा है, उनको पुलिस को पकड़ना चाहिए, और अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है वो हमें बता दीजिए, हम और भी पकड़ेंगे। मैम, कंप्लेंट किसने की है, क्या उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? हमारी टीम ने पूरा किया, कंप्लेंट किसी ने नहीं किया, हमने YouTube पर इसको देखा, फिर PFA के लोग गौरव और सौरभ ने एक ट्रैप लगाया और अल्पेश यादव से पूछा कि हम पार्टी लगा रहे हैं। अल्पेश यादव ने इनको बताया कि ये लोग हैं और मैं सप्लाई करता हूँ पार्टियों में। और मैम, आगे क्या कुछ इस केस में होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आगे क्या अल्पेश यादव की गिरफ्तारी इसमें होगी, क्या कुछ आगे का प्लान? ये बेटा होना तो चाहिए, अगर आप लोग जोर लगाओगे तो हो जाएगा। सिर्फ पुलिस और DFOs अपना काम जो प्राइमरी वर्क है वो नहीं करते, NGOs को करना पड़ता है, और फिर NGOs खुशी खुशी कर लें और फिर उनको इन्फॉर्म कर लें। ये काम WCCB का है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, लेकिन उन्होंने आज तक दफ्तर से एक कदम बाहर नहीं रखा है, ये टोटल फेल एजेंसी है। मैम, ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरह के सांप वहाँ पर बरामद हुए और कितने सांप वहाँ पर थे, और क्या कुछ जानकारी इस पार्टीज के बारे में मिली है कि किस तरह से ये तस्करी जो है सांपों की वो चल रही है? अब इसके बारे में आपको सौरभ गौरव से बात करना पड़ेगा। ये एक ट्रैप था जो हम लोगों ने बनाया, और मुझे कहा गया कि 11 पाइथन्स और कोबराज बरामद किए गए, 5 लोग थे। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ABP न्यूज़ को जो मेनका गांधी जी से जानकारी मिली है, उन्होंने बताया कि किस तरह से 11 पाइथन्स और कोबराज जो हैं वो वहाँ पर मिले थे पार्टी में, और एक तरह से ये एक्शन जो है सांपों को लेकर के, उनके वेनम को लेके कुछ ट्रेड होने की संभावना है, तो उस ट्रैप को लगाया गया था, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और PFA द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई स्नेक्स उसमें मिले हैं, और एक CC में वेनम बताया गया है, जो जांच के बाद क्लियर होगा कि ये वास्तविक रूप से क्या है। जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि ये रेप पार्टी में इस्तेमाल किया जाता था, हाँ, इस तरह की इनपुट थे हमारे पास, और इसमें हम लोग काफी लंबे समय से कार्य कर रहे थे और PFA इसको फॉलो कर रहा था, उसी आधार पे कार्रवाई की गई। कितने लोगों के नाम दर्ज किए गए इसमें? इसमें FIR की तहरीर मैं आपको शेयर किया हूँ, 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी कुछ अन्य लोगों के नाम PFA द्वारा दर्ज कराए गए हैं। ये तहरीर जो है PFA के द्वारा गौरव गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई है। जहर वाले खेल का बिग बॉस अल्पेश यादव, ये आरोप PFA और उस संस्था की मेनका गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, देखना यह होगा कि आगे पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है। छोटो सा ब्रेक, फॉरन लौट कर